यमुनानगर में थाना शहर से चंद कदम दूर पर आज गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। वह भी किराए के बाउंसरों द्वारा, जिन्होंने एक दुकान का सामान ही बाहर फेंक दिया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के आने से पहले बाउंसर वहां से चले गए। लेकिन चंद मिनट पहले ही उन्होंने न केवल दुकानदार की पिटाई की बल्कि सामान को भी बाहर फेंक दिया। बता दें कि दुकान को लेकर दो पार्टियों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। आज यमुनानगर के थाना शहर से चंद कदम दूर मीट मार्ट नामक एक दुकान को लेकर आज दो पक्षों में विवाद हुआ। हालांकि एक पार्टी लोकल है और दूसरी देहरादून से है। ऐसे में देहरादून की पार्टी इस दुकान को खाली करवाना चाहती थी और जिनका दुकान पर कब्जा था उन्होंने कोर्ट की शरण ली हुई थी। ऐसे में देहरादून से आई पार्टी अपने साथ बाउंसर लेकर आई और आते ही दुकानदार का सामान बाहर फेंक दिया। बाउंसर जब दुकान में घुसे तो उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर उसका डीवीआर भी अपने साथ ले लिया। आसपास के दुकानदारों ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, बाउंसर बड़े ही आराम से वहां से चलते बने। हालांकि पुलिस ने दोनों पार्टियों की क्लास मौके पर ही ली और दोनों को थाने में बुला लिया। क्या कुछ कहना है देहरादून से आए नवीन कुमार का, आइए सुनवाते हैं। हाँ जी, नवीन कुमार देहरादून से। नहीं, अभी हुआ क्या था, बता रहे थे जो। ये इन्होंने मुझे ये धमकी दी है कि आज तुम्हें जाने देंगे देहरादून, यहीं से काट के भेजेंगे। और ये दोनों नहीं कह रहे, तुम्हें देखते हैं तुम देहरादून से, ये वो है, बहुत धमकियाँ दी ना, माँ बहन की गालियाँ भी दी, हाथ भी उठाया ना। ये दोनों इनके लड़के हैं। क्या मामला बताया, प्रॉपर्टी पे आज? प्रॉपर्टी मेरे नाम है जी, मैं खाली करवाना चाह रहा हूँ। 3 महीने से इनको बोल रखा है, मैंने आगे सेल कर दी है प्रॉपर्टी कि खाली कर दो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी अपने रिश्तेदारों को। 3-4 दिन से ये चक्कर काट रहे हैं, खाली नहीं करे, कह रहे कोर्ट से करा लो जी खाली, धमकी दे रहे हैं। हम नहीं करते खाली, 8-10 दिन, चाहे 10 साल लग जाए, 20 साल, हम नहीं खाली करने। हाँ जी, नहीं बाउंसर करके यानी हाथापाई जरूरी है। पहले उन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठाया, फिर हमने सामान उठा के इनका बाहर फेंका। शहर के फवारा चौक से वर्कशॉप रोड पर बनी दो दुकानों को लेकर यह विवाद बताया जा रहा है और दोनों ही प्राइम लोकेशन पर हैं, जिसको लेकर दो पार्टियां लंबे समय से आपस में विवाद कर रही थी और आज मौका था। हालांकि धारा 144 लगी है, बावजूद उसके देहरादून से आए बदमाशों ने चंद मिनट में ही यमुनानगर के रहने वाले इन दुकानदारों की दुकान का सामान बाहर फेंक दिया, दुकान को खाली करवाने की धमकी भी दे दी। यही नहीं, बात थाने में भी एक बार गर्मा गर्मी तक पहुँच गई। पुलिस थाने में ही एक दूसरे की जान लेने की बात कही गई, मानो इन बदमाशों के मन में कानून का खौफ तक नहीं था। फिलहाल पुलिस ने दोनों पार्टियों को अपने पास बिठाया हुआ है और दोनों से ही इस प्रॉपर्टी के कागजात मांगे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इनका आपस में डिस्प्यूट चल रहा है काफ़ी दिनों से, जिन्होंने पहले दरख्वास्त दी हुई थी, आज जिन्होंने दरख्वास्त दी थी उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है, जिसकी जाँच जारी है। डिस्प्यूट की बात को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था जिसकी जान जारी है।